जिन लड़कों को अंग्रेजी नहीं आता है वो अंग्रेजी में हाजिर इस प्रकार बोलते हैं इंप्रेशन बनाने के लिए। आगे लगा जी आप भी ऐसे हाजिरी बोलते हैं ना, मुझे अंग्रेजी आती तो नहीं थी, मैं तो सिर्फ हाथ ऊपर कर देता हूं। सबको अपन अपन हाजिरी बोला। डीपी वर्मा प्रेजेंट सर जी। रमेश वर्मा आई एम प्रेग्नेंट सर। किसी को दिखाना है कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं, क्या करना चाहिए आगे देखिए। इधर आ बॉस, देखो नौकरी से निकाले 6 महीना हो गया है, रोज मेरे घर के गेट पे आके हक जाता है, बताना क्या चाहता है तू? अबे मैं यही बताना चाहता हूँ कि भूखे नहीं मर रहे हम लोग। नहीं आप भी ऐसे करते थे दिखाने के लिए अपने बॉस को, जी यही रास्ते का बॉस से रास्ते दिखाने के लिए। अरे कोई मुझे भी गर्लफ्रेंड दे रे। इस भाई की गर्लफ्रेंड नहीं, इसको इतना दुख है भाई, मुझे इसका दुख देखा नहीं जा रहा है। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे कान, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। गजब के दिमाग लगाए भाई ने। अरे ऐसा मौज कर दे, आप मौज कर दे वाले दे, अरे वाह से वो तंता मौज कर दे, ये क्या हो गया? अरे भाई तूने अपना आईफोन क्यों बेच दिया? भाई मैंने अपना आईफोन बेचकर एक बंदूक ले ली। बंदूक क्यों भाई? वो बंदूक दिखा दिखा के मैं अभी तक 50 आईफोन ले चुका हूँ। सोच रहा मैं भी बंदूक खरीद लूं, खूब आईफोन लूटूं। मैया जी चप्पल जूते पड़ेंगे और जेल अलग जाओगे, चुम्मा के साथ बैठे रहो। बेटा साहब पेपर छुपा के लिखो, पीछे वाला देख रहा है। एक बार बोला ना पेपर छुपाओ, तुमको समझ में आता नहीं क्या? सर मैं नहीं चाहता मैं अकेले फेल हूँ। ऐसा मैं भी करता था भाई। आप तो गोबरते हैं, आप में से कौन नकल मारता होगा भैया जी? अच्छा चैनल बनेगा तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।